we are going to learn trigonometry for 9th standard. Chapter name is Trigonometry. Trigonometry is the chapter which you are going to learn first time in your life. Till the date, आज तक आपने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कभी आज तक सुना नहीं था. फर्स्ट टाइम आपने वर्ड सुना हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट यू नो व्हाट डू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री. एक्चुअली इसमें तीन वर्ड्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज ट्राई, द सेकंड वन इज गोना एंड द थर्ड वन इज मेट्रॉन. पहला वर्ड क्या है? ट्राई. द सेकंड वन इज गोना एंड द थर्ड वन इज मेट्रॉन. ट्राई इज फॉर थ्री, गोना इज फॉर साइज एंड मेट्रॉन इज फॉर मेजर्स, राइट? सो तीन साइड का मेजरमेंट दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. बट टिपिकली ऐसा नहीं कि तीन साइड का मेजरमेंट इज ट्रिग्नोमेट्री. वी आर डीलिंग विथ द रेशियोज बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ओवर हियर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? एंड आई कॉल इट एज ट्रायंगल ए बी सी. व्हिच वन? ट्रायंगल ए बी सी, इन व्हिच एंगल बी इज राइट एंगल. एंगल बी क्या है? राइट एंगल है यहां पे. सो इसमें से ए बी एंड बी सी आर द साइड्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों साइड कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. और इसमें ए सी क्या है? यस, ए सी इज अ हाइपोटेनस. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटेनस? द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड एज एन as a hypotenuse, right? So AB and BC are the sides which makes an angle of 90 degree and AC is the hypotenuse. So meanwhile, how many sides I am having in a triangle? Three sides, right? The very first side I am having, that is AB. Dusra side kaun sa hai? BC. And the third side is AC. AB, BC and AC are three sides whatever I am having in this triangle. Now a simple sa question hai. If you are having three sides और मुझे इसमें से दो दो साइड लेके रेशियो बनाना है, मुझे दो दो साइड लेके क्या बनाना है? रेशियो बनाना है. रेशियो, yes you know. रेशियो, I am having three sides, इसमें से रेशियो बनाने के लिए कोई दो साइड इनफ है, right? तो बताओ कौन कौन से पॉसिबल रेशियोस हैं? बोलो, yes. AB upon BC. क्या पहला रेशियो मैं बोल सकता हूँ? AB upon BC. दूसरा रेशियो क्या हो सकता है? Yes, बराबर BC अपॉन एसी. बीसी अपॉन एसी. तीसरा रेशियो क्या हो सकता है? यस, राइट, एबी अपॉन बराबर एसी. एबी अपॉन एसी. देखो तीन साइड है, एबी अपॉन बीसी किया, बीसी अपॉन एसी किया, एंड अगेन आई डिड एबी अपॉन एसी. बट इज इट पॉसिबल कि और कोई रेशियो बन सकता है? डेफिनेटली वी कैन राइट डाउन थ्री मोर रेशियो. जस्ट राइट डाउन लाइक यस, उल्टा लिख सकते हैं हम इसका. AC upon BC, AC upon BC, next BC upon AB, BC upon AB, and the last one is AC upon AB. Last one is AC upon AB. Okay, चलो और कुछ try करो, और कुछ ratios इसमें आप बना सकते हो. Yes, try it out. AB upon AC, AC upon AB, AB upon BC, BC upon AB, BC upon AC, AC upon BC. These are the only possible ratios. और कोई try हो सकता है कि check करो, मतलब और कोई ratio extra बन सकता है? As you try, you will get to know there is no more possible ratios. There are no more possible ratios. I am having only six ratios. The very first one is AB upon BC, BC upon AC, AB upon AC, AC upon BC, BC upon AB, AC upon AB. ठीक है? ये कितने ratios हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कोई भी right angle ले लो. Check any right angle. We'll be having three sides और तीन sides है, तो definitely हम तीन side के maximum कितने ratios बना सकते हैं? Six ratios we can have. How many ratios? Six ratios. अब होता क्या है देखो? Consider. अब ध्यान से देखो. Here it is A, B, C and this angle is right angle. जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहां पे ट्रायंगल ए बी सी इज अंडर राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज अ राइट एंगल. नाउ पे अटेंशन, एक्चुअली वी आर हैविंग थ्री एंगल्स, राइट? वी आर हैविंग थ्री एंगल्स. द वेरी फर्स्ट वन इज एंगल ए, सेकंड वन इज एंगल बी एंड द थर्ड वन इज एंगल सी. तीन एंगल है, इसमें से एंगल बी कितना है? 90 डिग्री.
What can we say about angle A and angle C? Angle A और C के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसे angles हैं? These two angles are right acute angles. कैसे angles हैं दोनों? Acute angles हैं, right? Now consider I am standing at point C. मतलब मैं C पे खड़ा हूँ जिसका angle है theta. कितना है? Theta. मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? C. I am standing at point C, right? जैसे मैं C पे खड़ा रख के मैं आगे देख रहा हूँ. Exactly मेरे सामने which side is there? Side AB. This side is called as opposite side. This side is called as opposite side. बराबर? अच्छा. मैंने exactly opposite देखा तो I am getting AB. That's why I am writing as side. It's a opposite side, right? Theta, that is point C जो angle है theta, उसके बाजू में adjacent side भी है. तो उसमें बाजू में कौन-कौन सा side है? AC as well as BC, AC as well as BC. तो मैं BC और AC को adjacent side बोल सकता हूँ? Yes, but AC already क्या है? Which is opposite to right angle. We call it as a right hypotenuse. हम इसको क्या बोलते हैं? Hypotenuse. तो अगर मैंने बोला कि theta का adjacent side कौन सा है? Yes, you can say AC as well as BC. लेकिन AC को already हमने नाम रखा that is nothing but hypotenuse. तो बचा वाला side कौन सा आया? BC will be your adjacent side. BC will be your adjacent side. समझ में आ रहा है? As you are standing at point C, you are standing on theta. The opposite side will be AB, adjacent side will be BC, and the hypotenuse will become AC. Hypotenuse will become AC. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. In trigonometry, we are having six ratios. How many ratios we are having? Six. उसमें से सबसे पहला एक ratio मैं लेता हूँ. जैसे कि है AB upon AC. था ना उसमें? Yes. कौन सा ratio था? AB upon AC, उसका एक नाम रखा गया sine ratio. इसको हम क्या बोलते हैं? Sine ratio. S-I-N-E. Sine is the long form and ratio. Sine ratio is nothing but आप जहां पे खड़े हो वहां से opposite side जो दिख रहा है divided by its hypotenuse. That is AB upon AC. So I can say that opposite side divided by hypotenuse. बराबर opposite side divided by hypotenuse. But the problem is that every time to call it as sine ratio it is not feasible. बराबर उसके और लिखने के लिए भी थोड़ा सा lengthy है. तो उसके लिए हमने shortcut बनाया गया है जिसमें हम we used to take only three letters of that particular name. That is S I N sine. ठीक है? और ratio of what? Because आप opposite side every time AB will not be the opposite side. अगर आप यहाँ से यहाँ चले गए कौन सा एंगल ए पे तो आपका अपोजिट साइड कौन होगा BC और एडजेसेंट साइड कौन होगा AC और हाइपोटेनस वो तो हाइपोटेनस आप किधर भी होगा हाइपोटेनस बदलने वाला नहीं है. इफ यू आर स्टैंडिंग एट सी AB इज द अपोजिट एंड BC इज द एडजेसेंट बट एज यू चेंज द पोजीशन अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स विल गेट चेंज्ड. दैट्स व्हाई अगर आपको ये साइज फिक्स रखने हैं तो आपको पहला एंगल कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंगल पे बैठ के आप ये चेक कर रहे हो राइट. सो मैंने इसके तीन लेटर लिए दैट इज नथिंग बट साइन और कौन से एंगल पे हूं थीटा राइट. इसका मतलब हुआ आप थीटा पे रुको और साइन रेशियो चेक करो. यानी साइन रेशियो क्या बोलता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो थीटा पे अपोजिट कौन दिख रहा है एबी हाइपोटेनस कौन दिख रहा है एसी. सो ये हुआ आपका एबी अपॉन एसी. क्या हुआ ये एबी अपॉन एसी. द सेकंड रेशियो साइन जो दिख रहा है आपको ये जो लेटर दिख रहा है वर्ड दिख रहा है उसको खाली को लगाना है दैट इज कोसाइन रेशियो. बराबर अभी कोसाइन रेशियो क्या होता है जैसे मैंने पहले लिखा AB अपॉन AC वैसे यहां पे एडजेसेंट साइड भी है व्हिच वन BC BC अपॉन AC BC अपॉन AC BC अपॉन AC मतलब क्या है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ठीक है. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इज नथिंग बट कोसाइन रेशियो ठीक है. अगेन इसमें से तीन लेटर उठाए तो कौन आ रहा है cos right. So it is cos और आगे क्या लिखने वाले हम theta क्योंकि yes आपको एंगल पता होना चाहिए जहां से आप adjacent और hypotenuse देख रहे हो right. So cos theta तो ये ratio क्या आना चाहिए बताओ adjacent अपॉन hypotenuse मतलब पहले theta पे जाओ उसका adjacent कौन है देखो hypotenuse कौन है. Who is the adjacent BC and what is the hypotenuse AC. So it will become BC upon AC. क्या बन गया ये BC upon AC. Now the third ratio that's quite interesting. Third ratio is a tangent ratio. उसका नाम क्या है? Tangent. ये जो छह ratios हैं उसके छह के छह नाम अपने पास हैं.
tangent ratio. Now what do you mean by tangent ratio? Tangent word suna hoga? Yes, circle mein jo hum line draw karte hain, which touches to the circle at one and only one point, we call it as a tangent. तो वही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, that is tangent ratio. तो इसमें से भी tangent ratio क्या होना चाहिए? ये देखो, पहला था opposite upon hypotenuse, दूसरा था adjacent upon hypotenuse. Now the tangent is opposite side upon adjacent side. अभी ये इसमें tangent ratio में hypotenuse नहीं आ रहा है, opposite side upon adjacent side. Okay? So, इसके भी तीन लेटर लेनी है, तो क्या आ गया रेशो बताओ? Yes, it is tan theta is equal to what is the opposite side of theta? AB. And what is the adjacent side? BC. So, it is AB upon BC. Which one? AB upon BC. ये हुआ number three. Next, number four. Tangent लिखा, वापस उसको क्या लगाएंगे? Co. ठीक है? So, it will become cotangent ratio. Right? And what is this cotangent ratio? Cotangent, now pay attention. ये तीन अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आगे वाले तीन अपने आप समझ में आ जाएंगे. कैसे? Cotangent ratio is nothing but the reciprocal of tangent ratio. Tangent ratio क्या बोलता है? Opposite side upon adjacent side. तो इसका reciprocal क्या होगा? Yes, adjacent side upon opposite side. Adjacent side upon opposite side. बराबर? Now tell me, इसके तीन लेटर मुझे उठाने हैं, तो ये क्या हो गया? It is cot theta. तो क्या होगा? AB upon BC tan था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? Yes, BC upon AB. Cot theta. Number 5. Tan के पहले कौन था? Cos था. अब इसका ही उल्टा रेशियो नंबर 5 पे आ रहा है, और उसका नाम है secant theta. Sorry, secant ratio. क्या है वो? secant ratio. मैंने किसका उल्टा बोला था? secant ratio is the reciprocal of cosine ratio. cosine ratio क्या है? adjacent upon hypotenuse. इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? hypotenuse upon adjacent. so it will become hypotenuse upon adjacent. इसके भी तीन लेटर उठाओ, it will become sec theta. it will become sec theta. and sec theta क्या आने वाला बताओ? hypotenuse upon adjacent, that is AC upon BC. it will become AC upon BC हो जाएगा. ठीक है? now 1, 2, 3, 4, 5 one more ratio is there and which is nothing but ratio number 6 cosecant. ये जो secant था, इसको भी और एक co लगाया, so it will become cosecant ratio. and cosecant ratio is the reciprocal of sine ratio. sine क्या है? opposite upon hypotenuse, so it will become बराबर hypotenuse upon opposite side. तो इसके भी तीन लेटर होता है, तो ये तीन लेटर होता है, ये बात क्या लिख रहे? cos, but cos is already there, तो दोनों में confusion हो सकता है, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके और दो लेटर उठाएंगे, which is nothing but cosec theta, which is nothing but cosec theta. और cosec किसका reciprocal बोला मैंने? sine का reciprocal है, तो ये AB upon AC है, that is opposite upon hypotenuse. now it is hypotenuse upon opposite, which is nothing but AC upon AB. क्या बन जाएगा ये? AC upon AB. now pay attention, एक बार revise करते हैं. sine theta क्या है? it is opposite side upon hypotenuse. इसको हमने को लगाया, बिकम cos theta, which is nothing but adjacent upon hypotenuse. number 3, opposite upon adjacent, which we call it as tan theta. number 4, adjacent upon opposite, which we call it as a cot theta. number 5, sec theta, right? hypotenuse upon adjacent. and number 6, cosec theta, which is nothing but hypotenuse upon opposite side. Right? So how many ratios we are having? Trigonometry में 6 ratios हैं. Triangle में 3 sides होते हैं. Side number 1, 2, 3. तो इन तीनों sides का अगर हम ratios बनाते हैं, तो maximum हम कितना भी try करेंगे, तो 6 ही ratio बनते हैं. उन 6 ratio पर हमने नाम रखा अलग-अलग. पहले ratio पर रखा sine ratio, दूसरे को cosine ratio, तीसरा tangent ratio, number 4 cotangent ratio, number 5 secant ratio, number 6
कोसेकेंड रेशियो। याद रखने के लिए हमने उसके शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, पहले का है साइन और कौन से एंगल से आपने अपोजिट और एडजेसेंट देखा है वो मैटर करता है, इसके लिए हमने लिखा है थीटा। सो इट इज साइन थीटा, द सेकंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टैन थीटा, फोर्थ वन इज कॉट थीटा, फिफ्थ वन इज सेक थीटा एंड द सिक्स्थ वन इज कोसेक थीटा, राइट। अब एक बात बनती है यहां पर, एवरी टाइम एज यू आर अ बिगिनर दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द रेशियोस। ये रेशियो पूरा का पूरा याद रखना आपको थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सम टेक्निक्स। एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको यहां पे बता देता हूं हाउ टू रिमेंबर ऑल दीस रेशियोस। सबसे पहले कौन कौन से रेशियोज हमने पढ़े वो लिखता हूं मैं यहां पे, साइन थीटा, द सेकंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टैन थीटा, फोर्थ वन इज कॉट थीटा, फिफ्थ वन इज सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कोसेक थीटा। अब sin theta opposite upon hypotenuse, cos theta adjacent upon hypotenuse, tan theta opposite upon adjacent, cot theta adjacent upon opposite, मुझे याद है, right? तो आपको बड़ा से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। इसके लिए मैं एक आपको एक छोटा सा एक वर्ड बता रहा हूं, वो वर्ड हमेशा ध्यान रखना, क्या लिखा मैंने, ओशा छोटा, O S H A C H O T A, ओशा छोटा, ठीक है। अब ये वर्ड इतना ही ध्यान में अगर रखोगे तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 रेशियोस बाय हार्ट हो जाएंगे। ओशा छोटा, ओशा छोटा, ओशा छोटा, ओशा छोटा, ओशा छोटा, ओशा छोटा, 6 बार गया, 6 बार बाय हार्ट हो जाएगा ओशा छोटा, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, साइन का एकदम रेसिप्रोकल रेशियो कौन है, उल्टा रेशियो, दैट इज कोसेक थीटा। तो आप पहले क्या करो, साइन का कोसेक थीटा Yes. उसके बाद cos का reciprocal कौन है, बराबर sec theta, and tan का reciprocal कौन है, cot theta। अब मैंने जैसे आपको बताया, yes, मैंने कैसे आपको बताया, ओशा छोटा, इसमें से alternate letters जरा ध्यान देना, क्या है ये alternate, sorry, पहले तीन तीन का group बनाओ यहां पर, O S H, A C H and O T A, O S H A C H O T A, ओशा छोटा के तीन 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 लेटर के ग्रुप बनाए। पहला देखो, O S H, O S H मतलब यहाँ पे O, this S, H, बड़े फाइन। आगे क्या है, A C H, तो यहाँ पे आएगा A C H, बराबर, and the third one is O T A, O T A। जैसे कि ये है sin, sin is nothing but opposite upon hypotenuse is sin theta, adjacent upon hypotenuse is cos theta and opposite upon adjacent is nothing but tan theta, that is s for sin, c for cos and t for tan। ये तीन रेशियोज बन जाता है, इसे समझ में आ रहा है, osha, o s h a c h o t a, osha छोटा, sin cos tan इसमें परफेक्ट हो गया। अब cot से cosec कैसे होगा, बस आपको क्या करना है, ये o बाहर के बाहर ऐसे घुमा के यहां पे जाके रखना है, राइट, ये H अंदर से यहां पे आएगा और यहां पे बैठ जाएगा, बस आपको ये लेटर से घुमा के यहां पे लेके आना है। तो H यहां पे आया, ये A बाहर से यहां पे आके रुकेगा, ये A अंदर के अंदर यहां पे आएगा और वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे प्रैक्टिस करो तो आपको क्या हो जाएगा, पता चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रॉन्ग नहीं आएगा। जैसे आप इसको बार बार रिपीट करोगे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बाय हो जाएगा। तो क्या हुआ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज टैन थीटा, बस इसी रेशियोस को आपको घुमा के नीचे लेके आना है। सो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कॉट थीटा, उसके बाद हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट इज सेक थीटा एंड हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट इज कोसेक थीटा, ये बन गए रेशियोस। नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वन, साइन का रेसिप्रोकल सीधा हम लिखा है यहां पे कोसेक थीटा, तो यहां पे देखो ध्यान देना, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल है तो उल्टा लिखेंगे हम लोग, बराबर
दूसरा cos का रेसिप्रोकल कौन है sec थीटा, सो cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा. तीसरा tan का रेसिप्रोकल कौन है cot थीटा, tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो cosec क्या होगा sin नीचे, cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, बोलो sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा. ऐसे भी आप क्या कर सकते हो रेशियोस लिख सकते हो. tan और cot क्या होगी कुछ फार्मूलाज है, फिलहाल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो सब रेशियोस कैसे लिखे जाते हैं. एक सम सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन दो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या है वो मैंने अभी आपको लिख के दिया हुआ है, बराबर. सो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, यहां पर this is triangle P Q R and here it is theta, this one is 90 degree. Question hai, find all the trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios of triangle in triangle P Q R. ठीक है, triangle P Q R के सभी ratios ढूंढो. अच्छा आपको थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल थीटा इज गिवन, मतलब आपको सिंपल क्या क्या ढूंढना है बताओ. यस साइन थीटा, दूसरा क्या ढूंढना है कॉस थीटा, तीसरा क्या ढूंढना है बराबर बोलो टैन थीटा, नंबर फोर वन इज बराबर कॉट थीटा, नंबर फिफ्थ सेक थीटा एंड नंबर सिक्स कोसेक थीटा. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा, बराबर ऊंचा छोटा बराबर साइन थीटा. साइन थीटा यहां पर साइन एस है, अपोजिट अपॉन लेफ्ट टू राइट जाना हमेशा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. नाउ पे अटेंशन, थीटा का अपोजिट कौन है, थीटा के सीधा सामने कौन दिख रहा है पी क्यू, सो इट इज योर अपोजिट साइड. थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है, बाजू में ये दो साइड है ना, लेकिन RQ क्या है 90 का अपोजिट है, सो इट इज हाइपोटेनस बराबर एंड एडजेसेंट विल बी PQ बराबर. सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के अपोजिट में कौन है PR, हाइपोटेनस कौन है PQ, सो इट इज PR अपॉन PQ. cos थीटा क्या है, cos यहां पे ना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस राइट. एंड व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट इज PQ, हाइपोटेनस इज RQ, सॉरी अपोजिट साइड था इसका PR अपॉन हाइपोटेनस RQ था, सॉरी मैंने यहां पे PQ लिखा था, जैसे A अपॉन A दैट इज PQ अपॉन RQ. नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा क्या है, tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट कौन है PR, एडजेसेंट कौन है PQ, सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट व्हिच इज नथिंग बट PR अपॉन PQ राइट. cot थीटा, tan का उल्टा सिंपल adjacent upon opposite which is nothing but PQ upon PR right. next sec theta is the old time cos theta la. so it is hypotenuse upon adjacent RQ upon PQ. cosec theta sin ka old time which is hypotenuse upon opposite which is nothing but RQ upon PR, RQ upon PR. आपको पता ही नहीं कि कौन से एंगल पे खड़ा रहेगा, आपको अपोजिट और एडजेसेंट चेक करना है. आई होप आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आया होगा. इन नेक्स्ट वीडियो विल लर्न the standard values of trigonometric functions, या फिर the values of standard angles of a trigonometric function हम next video में देखेंगे. thank you.